हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिशा स्टाइल। कैसे हो आप सब? सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक सेक्सी हॉट नेवी ब्लू स्मोकी आई मेकअप लुक। सो फ्रेंड्स, आप इस मेकअप लुक को किसी भी ओकेजन पे, कोई भी फेस्टिवल पे आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हो। आप कोई नाइट पार्टी में भी ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। ये नेवी ब्लू एंड नेवी ब्लू साड़ी के साथ भी ये वाला मेकअप लुक बहुत ही अच्छे से जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये वाला मेकअप लुक मैंने स्पेशली दुर्गा पूजा नवमी मेकअप लुक क्रिएट किया है फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स, आप इस मेकअप लुक को किसी भी ओकेजन पे क्रिएट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को मेरा ये वाला मेकअप लुक पसंद आ रही है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स आपको मेरी ये वाला मेकअप लुक कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम, लेट गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, एवरी टाइम की तरह मैं आपको सजेस्ट करूंगी मेकअप से पहले आप अच्छे से स्किन केयर कीजिए, उसके बाद मेकअप कीजिए। सो सबसे पहले आपको टोनर अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ गुड वाइब्स की पॉमिकेट टोनर की, बहुत ही अच्छी टोनर है फ्रेंड्स। सो उसके बाद मैं लिप्स को मॉइस्चराइजिंग कर रही हूँ। लिप्स को मॉइस्चराइजिंग करने के लिए यूज़ करी ब्लू हेवन की बबल गम लिप बाम। उसके बाद आपको फेस को मॉइस्चराइजिंग करना है। सो फेस को मॉइस्चराइजिंग करने के लिए यूज़ करिए पॉन्ड्स की सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइजर है, बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइजर है, लाइट वेट है, नॉन स्टिकी फार्मूला है, इसकी बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइजर है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको प्राइमर अप्लाई करना है। सो प्राइमर के लिए मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एक प्राइमर अप्लाई करी हूँ, वो है ये NYP की प्राइमर। ये बहुत ही अच्छी प्राइमर है फ्रेंड्स। उसके बाद मेकअप के लिए आज मैं यूज़ करी हूँ ये फिट मी की फाउंडेशन इन दी शेड नेचुरल बफ। सो ये बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छे से फुल कवरेज प्रोवाइड करती है। सो फ्रेंड्स, इस फाउंडेशन पे आपको काफ़ी सारे शेड रेंज मिल जाएगी। आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आप इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी लाइट वेट फार्मूला है और बहुत ही अच्छी कवरेज भी प्रोवाइड करती है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये वाला फाउंडेशन मिल जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको कंसीलर अप्लाई करना है। सो कंसीलर के लिए आज मैं यूज़ करी स्विस ब्यूटी की कंसीलर इन दी शेड लाइट। सो मुझे जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई करने की ज़रूरत है उस एरिया को मैं कंसील कर रही हूँ कंसीलर की हेल्प से। और ये बहुत ही अच्छी फुल कवरेज वाली कंसीलर है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद कॉम्पैक्ट के लिए यूज़ करी हूँ लैक्मी की सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट। सो ये भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको कॉम्पैक्ट मिल जाती है और काफ़ी अच्छी इसकी कवरेज भी है। आईब्रो फिल करना है उसके बाद फ्रेंड्स। सो आईब्रो फिल करने से पहले आप अपनी आईब्रो पुली की हेल्प से अच्छे से आईब्रो को कॉम्ब कर लीजिए। उसके बाद आईब्रो फिल करने के लिए आज मैं यूज़ करी हूँ मिस रोज़ की ब्राउन कलर की जेल आईलाइनर काजल। सो उसमें जो एंगल ब्रश आपको मिलती है उसी एंगल ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। उसके बाद ये वेट एंड वाइल्ड की पैलेट में से लाइट ब्राउन शेड को पिक करके मैं अपनी फेस को कॉन्टूरिंग करी हूँ। सो सबसे पहले मैं अपनी चीक को कॉन्टूरिंग करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी फोरहेड को भी लिटिल बिट कॉन्टूरिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। सो उसके बाद मैं अपनी जॉ लाइन को भी कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। उसके बाद एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपनी नोज को भी कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। सो ब्लश के लिए आज मैं यूज़ करी मेकअप रेवलेशन ब्लश पैलेट में से एक कोरल शेड और एक लाइट पिंक शेड। सो दोनों शेड को मिक्स करके मैं अपनी चीक पर ब्लश का अप्लाई कर रही हूँ। सो हाइलाइटर के लिए यूज़ करी हूँ वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर इन दी शेड PCS पैटर्न। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक हाइलाइटर है। सो इसके हेल्प से मैं अपने पूरे फेस को हाईलाइटिंग कर रही हूँ। सो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैं कहाँ हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। सो लिटिल बिट अपनी नेक को भी हाईलाइट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे बेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं आई मेकअप पे टर्न आउट करी हूँ। सो पूरे मेकअप लुक के जो आज स्टार है वो है ये नायका की ग्लैमरस आई पेंसिल इन द शेड 05 एज योर चार्म। ये बहुत ही अच्छी नेवी ब्लू काइंड ऑफ शेड है और इसमें लिटिल बिट आपको शिमर भी मिल जाती है और बहुत ही जल्दी जल्दी ये ड्राई आउट भी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड ये आई पेंसिल है फ्रेंड्स। सो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस पेंसिल को पहले एक आई पे यूज़ कीजिए, उसके बाद दूसरे आई पे इस पेंसिल का अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी ड्राई आउट हो जाती है। सो मैं क्रीज से थोड़ी नीचे इस पेंसिल का अप्लाई किया है, उसके बाद एक पेंसिल ब्रश के हेल्प से इसे स्मच कर रही हूँ। उसके बाद ब्यूटी ग्लेज की आई शेडो पैलेट में से मैं इस नेवी ब्लू काइंड ऑफ एक शेड को पिक किया है। एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से मैं अपनी क्रीज लाइन को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि सब कुछ अच्छे से ब्लेंडेबल लगे। उसके बाद सेम आई शेडो पैलेट में से मैं एक ऑरेंजी कोरली शेड को पिक करके एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से क्रीज से थोड़ी ऊपर मैं इस शेड को अच्छे से ब्लेंड करी हूँ और लिटिल बिट मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी यूज़ करी हूँ। उसके बाद एक फ्लड शेडर ब्रश की हेल्प से मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे इस नेवी ब्लू शेड को भी अच्छे से स्मच करी हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, लोअर लैश लाइन पे इस शेड को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद उसके बाद मैं नायका की ये ब्लू पेंसिल यूज़ करी हूँ लिटिल बिट अपनी लोअर लैश लाइन पे और अपर लैश लाइन पे। उसके बाद मैं लैशेस को कर्ल करी हूँ और मस्कारा के लिए आज मैं यूज़ करी हूँ ये एसेंस की मस्कारा। सो इसकी हेल्प से मैं अपनी लैशेस को अच्छे से कर्ल करी हूँ, कोट करी हूँ फ्रेंड्स। सो लोअर लैशेस को भी अच्छे से कर्ल करी हूँ, कोट करी हूँ। उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। सो लिपस्टिक के लिए आज मैं यूज़ करी हूँ स्टे कॉर्की की लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड 15। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल एक कोरलिश न्यूड शेड है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग ये लिपस्टिक है, काफ़ी देर तक आपके लिप्स पर स्टे करेगी और ये स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। और इसका एप्लीकेटर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका एप्लीकेटर लिप शेप में है और बहुत ही छोटी इसकी एप्लीकेटर है, बहुत ही आसानी से आप लिप्स पर अप्लाई कर सकते हो और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको purple.com से मिल जाएगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, उसके बाद पूरे फेस को आपको सेट करना है। सो पूरे फेस को सेट करने के लिए यूज़ करिए फेसेस कैंडी की मेकअप फिक्सर। सो उसके बाद सब कुछ अच्छे से ब्लेंडेबल लगे उसके लिए एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं ये वाली इयररिंग्स पहन रही हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय फाइनल फिनिश लुक। आई होप आप लोगों को मेरा ये वाला मेकअप लुक पसंद आई होगी। आपको अगर ये वाला मेकअप लुक पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि जब कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।